रुक जा एक मिनट, बीच में पैर रखना, बीच में रुक एक मिनट, जल्दी आओ, ऊपर चला के जल्दी आओ, जल्दी आओ, रहन दो रहन दो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस शाम के 6 बजने वाले हैं, वैसे तो इवनिंग है लेकिन आप तो सुबह देखोगे ना, इसलिए मैं मॉर्निंग बोल रहा हूँ। तो आज शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को जाना है वीडियो अपलोड करने के लिए विनीत भाई के स्टूडियो, बिकॉज ना होटल का वाईफाई बहुत स्लो है तो यहाँ पे हो ही नहीं पाती मेरी, तो मेरे को स्टूडियो जाना पड़ता है यहाँ से आधा घंटा दूर। तो मैंने वीडियो एडिट तो कर लिया है, अब मुझे बस अपलोड करने के लिए जाना है। और आपको पता होगा मैं अपने लैपटॉप भूल गया था हल्द्वानी, तो जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये मेरे को दिलाया है मुंबई के निखिल भैया ने, और ये बिल्कुल न्यू लैपटॉप है भाई। मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरा लैपटॉप भूल गया, तो उन्होंने मतलब एक फ़ोन में ही नया लैपटॉप दिलवा दिया मुझे। देखो इसका डब्बा भी दिखाता हूँ मैं, इसका डब्बा भी है, मतलब सब कुछ है, वो बिल्कुल नया लैपटॉप है। तो बस इसको बस जल्दी से एडिट करके फिर आज मुझे लैपटॉप वापस भी करना है बिकॉज कल हमको वापस निकलना है ना। तो अभी गाइस वीडियो अपलोड करके आ गए, अब हम जा रहे हैं मॉल। हम मुंबई के किसी मॉल में नहीं गए तो आज जाएंगे मुंबई का मॉल, क्योंकि कल तो जाना ही है, और डिनर भी वहीं कर लेंगे मॉल में। तो चलो बाहर से इतना सुंदर लग रहा है ये एरिया, अभी चलते हैं इसके अंदर। आपके पीछे देखो कितना मस्त लग रहा है। मैंने तो बस गूगल पे सर्च करा कि बेस्ट मॉल इन मुंबई और आ गया, और हम आ गए यहाँ पे। भाई मम्मी की सब तारीफ कर रहे हैं, भाई जो भी मिल रहा है ना मम्मी की तारीफ कर रहे हैं कि आप सुंदर लग रहे हो, आपकी साड़ी अच्छी लग रही है, आपको ये अच्छा लग रहा है, सब मम्मी की तारीफ कर रहे हैं। होटल में भी जो मिल रहा है, मॉल में भी जो मिल रहा है, सब मम्मी की तारीफ कर रहे हैं भाई। तो फाइनली मॉल के अंदर पहुंच गए, मैं यहाँ से करता हूँ शॉपिंग सारी, यहाँ से कपड़े लेने नहीं है, अगर पसंद आएंगे तो लूंगा ना। नहीं, अरे पसंद नहीं, अरे कुछ नहीं होता यार, मम्मी मेरे को ना वो दिला दो, साड़ी दिला देते हैं। साड़ी कहाँ है, ज़ारा में साड़ी नहीं मिलती यार। मेरे को तो ये जैकेट पसंद आ रही थी, कितनी मस्त है व्हाइट कलर की, मम्मी ये ले रहा हूँ मैं। नया बेटा क्या करना है, बहुत है तेरे पास, बहुत बड़े बेटा। और एक ही वाली, ये ब्लैक वाली पसंद आई है मुझे, कूल लग रही है। बहुत सारे, क्या करेगा इनसे। गाइस मेरा तो मन कर रहा है सब ले लूं, सब पसंद आ रहा है मुझे, लेकिन मम्मी मना कर रही है। भाई ये मस्त लग रहे हैं, देखो मॉल के अंदर पेड़ है, पहली बार देख रहा हूँ मॉल के अंदर नेचुरल पेड़। और ये देखो भाई यहाँ भी ये बैठने का मस्त बना रखा है, यहाँ बैठ सकते हैं मस्त। तो अब हम जाएंगे H&M, इससे तो मम्मी को डर लगता है। अरे सीखोगे नहीं जिंदगी में, कभी नहीं सीखोगे। नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना बेटा, जिंदगी में कभी नहीं जाओगे, मेरे को डर लगती है। देखो मेरी बात सुनो, एक बार जाओ तो मैं आपको ऐसे पकड़ लूं, पैर रखने में ही तो दिक्कत है ना। नहीं आप चले जाओगे क्या, चलो आप जाके दिखाओ, बीच में पैर रख दो, पैर रख दो बस। अरे इसमें क्या डर है, पैर रख दो, रहन दो फिर आ जाओ, पापा जी भी डर नहीं डर रहा यार। तो अब हम जा रहे हैं लिफ्ट से। गाइज हमने बहुत कोशिश की मम्मी पापा को मनाने की लेकिन नहीं माने, लिफ्ट में ही आ जाओ। अभी गिर जाएगी, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी तेरी मम्मी की। क्यों गिरोगे यार, होता है मेरे से, मैं सिखा रहा था आपको, पैर रखना था बस। कितनी सारी मम्मी और पापा हो गई। भाई साहिल को मिल गई मस्त वाली हुडी, देखो। अरे ऐसे नहीं डालते भाई, चेंजिंग रूम में करते हैं भाई, ऐसी हरकतें मत। गाइस एक और मिल गई देखो, मस्त वाली स्पंजबॉब वाली, लेकिन इसका कलर थोड़ा लाइट है, कलर येलो है। इतना कंफ्यूजन है, समझ में आ रहा क्या लूं क्या ना लूं, सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे तो। तो भी गाइस H&M से बाहर आ गए, भाई ये मॉल है क्या है। गाइज मेरे साथ में तो स्कैम हो गया, ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना ये रियल नहीं, मुझे लगा था रियल पेड़ है बट ये रियल नहीं है भाई, मैंने अभी ऑब्जर्व किया अच्छे से इसकी टहनियाँ। अबे यार इतने सारे पेड़ लगे हैं, ये जो पत्तियाँ हैं इसकी ये भी रियल नहीं है, हाँ रियल नहीं है। आई एम सॉरी गाइज मैंने गलत बताया, मुझे खुद ही लग रहा था कि रियल है बट अब मैंने अच्छे से देखा ना ऑब्जर्व, मैं यार पत्तियाँ तो अजीब सी लग रही है इसकी, और फिर मैंने टहनी देखी, टहनियों में छेद है तो ये रियल नहीं है। तो गाइज अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट में कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है भाई बहुत। गाइज ये देखो ये ओरिजिनल लग रहे होंगे बट ये भी ओरिजिनल नहीं है, और ये स्कल्पचर देखो सारे हाथों में दिए हैं, असली है क्या, नकली है यार, मेरा दिल टूट रहा है यार मम्मी। भाई अब ये क्या है, सारी मस्त मस्त चीज़ें इसी मॉल में है क्या, पहली बार मुंबई की किसी मॉल में आया और मज़ा आ गया भाई, इतनी मस्त मस्त चीज़ें देखने को मिल रही है। अब बताओ मम्मी क्या खाना है, बर्गर खाना है, बर्गर खा लोगे, जो खिलाएगा वो खा लूँगी। हल्दीराम भी यहाँ पे नॉर्मल खाना मिल जाएगा, जैसा कहेगा तो वैसा खा लूँगी, जैसे तुम मंगाओगे खा लूँगी, ज्यादा वो मत मंगाना बस। हल्दीराम ही चलेगा, हल्दीराम तो ऊपर है, फिर ऊपर जाना पड़ेगा यार, चल जाएगी, चले जाओगे ऊपर, वही सीढ़ियाँ ही हैं। अरे बीच में पैर रख देना, मेरे हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, रुक जा एक मिनट, बीच में पैर रखना, बीच में रुक एक मिनट, जल्दी आओ, ऊपर चला के जल्दी आओ, जल्दी आओ, रहन दो रहन दो। ये फिर नहीं आया यार, क्या कर रहे हैं, आ गए। गई आज मुंबई मॉल में पोपट हो गया,
गाइज मम्मी को स्टेयर से इतना डर लग रहा है ना, तो मेरे को मम्मी को लिफ्ट से लाना पड़ा। तो गाइज हम ले रहे हैं 3 छोले भटूरे। छोले भटूरे खाएगा? क्या खाएगा? छोले भटूरे। क्या? छोले भटूरे। छोले भटूरे। छोले भटोले। मम्मी छोले भटूरे को छोले भटोले कहती है। फाइनली हमारे छोले भटूरे आ गए, लो भाई। तो गाइज खाना फिनिश। तो भी गाइज खाना पीना खा के आ गए। गाइज ये भी नकली है, ये भी नकली है, ये मस्त लग रहा है। इसके बाल देखो, इसके बाल में खाना ही खाना है। तो भी गाइज हम आ गए मॉल से बाहर, बिकॉज रात के 10 बज चुके भाई। अब चलते हैं होटल, बिकॉज कल सुबह से हमारी फ्लाइट है जल्दी, तो हमको सोना भी है, एडिट भी करना है। हम घुसे वहाँ से थे, निकले यहाँ से, देखो अभी अभी पूरा नहीं घूमा मैं। पूरा कहाँ घूमे हैं? अभी थोड़ा ही घूमा बस। तो ये मॉल के बाहर का एरिया देखो, ये भी काफ़ी खुला खुला एरिया है। अरे ये तो असली है ना? हाँ गाइज ये असली है, मॉल के बाहर वाले सारे असली हैं, जितने भी आपको मॉल के बाहर दिख रहे हैं। और यहाँ पे सब्सक्राइबर भी मिल गए रात को। गाइज इस तरह के ना बहुत सारे बना रखे हैं। देखो गाइज यहाँ पे तो सारे पेड़ सजा दिए उन्होंने, देखो सारे पेड़ों पे लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि दिवाली है, दिवाली में होती है ऐसी लाइटिंग। तो भाई सब जगह लाइटिंग ही लाइटिंग है यहाँ पे। गाइज ये देखो कितना बड़ा चूहा, भाई हमको चूहा मिल गया यहाँ पे मॉल में, चूहा भी मिल गया। गाइज रियल है ना ये तो? हाँ ये तो रियल है। भग गया, आज तो मजा आ गया ना कैब में घूम के, 5-6 बार कैब में घूम लिया भाई। तो आज की हमारी लास्ट कैब आ चुकी है, होटल पहुंच गए। अब तो पूरा मुंबई घूम लिया ना। ओए क्या यार टकरा रहे हो? इन 4 दिनों में आपने शादी भी देख ली, मुंबई के सारे फेमस जगह भी देख ली, मॉल भी देख लिया, और ऑलमोस्ट सब देख लिया आपने, फेमस सब देख लिया। पहले तुम्हारे को गर्म पानी करके देता हूँ। नहीं हम कर लेंगे ना। नहीं नहीं तुम नहीं करोगे। मेरे को पता है ना। अरे कर लूँगा, जाओ। नहीं हम करके दूँगा। गुड नाइट। करके दे आऊँगी। गुड नाइट मैं कर लूँगा। ना पहले चलो हम पानी करेंगे। सबसे पहले दवाई खाता हूँ भाई। तो भी गाइस टाइम आ चुका है लैपटॉप देने का, जिसका ही लैपटॉप है तो भी लेने के लिए आए हुए हैं। तो भी जा रहे हैं उनको देने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए, बिकॉज इसके बिना तो काम नहीं हो पाता ना। चलो मिलते हैं उनसे, उनको थैंक यू बोलते हैं। रात के 12:30 बज गया अब आए लेने के लिए। सही है, सुबह सुबह तो हमको निकलना है ना, सुबह की फ्लाइट है। तो ये भाई लोग थे जिनने हमको लैपटॉप दिया। क्या नाम आपका? अलमान नाम है भाई, अलमान। अलमान थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। हाय। तो गाइस लैपटॉप दे दिया है, अब मैं जा रहा हूँ रूम में सोने के लिए, बिकॉज सुबह की फ्लाइट है हमारी जल्दी की। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। कल हम जा रहे हैं वापस हल्द्वानी, तो हाँ देखना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मम्मी आपकी फेयर एंड लवली। अच्छा अच्छा इसके अंदर पेड़ लगा रखा है। बाहर को आया है देख।